नमो नमः। अहम पवन कुमार शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़तः भवतां सर्वेषां अस्यां कक्षायां स्वागतं करोमि। भूछात्राः, पूर्वस्मिन् व्याख्याने अस्माभिः अग्निसूक्तस्य परिचयः लब्धः। साम्प्रतम् अग्निसूक्तस्य मन्त्राणाम् अध्ययनं वयं करिष्यामः। छात्रों, अग्नि सूक्त के मंत्रों का हम अध्ययन आरंभ करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में अग्नि सूक्त एक तरह से जो है, इसके अलावा कुछ और भी सूक्त हैं, तो इसमें दो मंत्रों की सप्रसंग व्याख्या तथा किसी विशिष्ट सूक्त विशिष्ट का सार भी आता है, तो हम उसी अनुसार इसका अध्ययन आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि अग्नि सूक्त जो है प्रथम मंडल के का प्रथम ही सूक्त है ऋग्वेद का, और इसके जो ऋषि हैं मधुछंदा हैं, देवता अग्नि हैं, छंद गायत्री है। तो यह देवताओं में अग्रिम होने के कारण देवताओं में सबसे आगे जो हुआ है था इसका नाम अग्नि पड़ा, और प्रथमो अग्निरग्रे प्रथमो देवता नाम ये तैतरीय ब्राह्मण में भी कहा गया है। तो हम प्रथम मंत्र का अध्ययन आरंभ करते हैं। अग्नि सूक्त ऋग्वेद संहिता 1.1.1, इसका तात्पर्य है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम ही मंत्र है। वैश्वामित्र का तात्पर्य है कि विश्वामित्र ऋषि की है संतान है, विश्वामित्र के ही कुल में उत्पन्न है, देवता अग्नि है और छंद गायत्री है। तो प्रथम मंत्र है, ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। तो इसका शाब्दिक पदपाठ देखते हैं। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। पुरोहितम अर्थात जो आगे बढ़ाने वाला है, यज्ञ को कराने वाला है। यज्ञस्य देवम, जो यज्ञ का श्रेष्ठतम पारमार्थिक जो कर्म है हमारा, उसको वह उसका जो देवता है। ऋत्विजम अर्थात यज्ञ संपन्न कराने वाला है। होतारम अर्थात देवताओं का आह्वान करने वाला है। रत्नधातमम अर्थात यज्ञों को रत्नों को धारण करने वाला है, रत्न देने वाला है। ऐसे अग्निम अर्थात अग्नि देवता को हम इडे यानी पूजा करते हैं या उसकी उपासना हम करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका शाब्दिक अर्थ जो हमने देखा है उसी के अनुसार इसको पुनः एक बार समझने का एक साथ प्रयास करते हैं। हम पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम इडे। हम जो है अग्निदेव की उपासना करते हैं। जो अग्निदेव कैसे हैं? पुरोहित हैं, यज्ञ के देवता हैं, यज्ञ में सब कुछ देने वाले हैं। ऋत्विजम यज्ञ को संपन्न कराने वाले हैं और ऋत्विजम यज्ञ को संपन्न कराने वाले, होतारम यज्ञ देवताओं का आह्वान करने वाले हैं, और रत्नों को धारण करने वाले हैं अर्थात रत्न देने वाले भी वही हैं। ऐसे अग्निदेव की हम ईले अर्थात उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो है अग्निदेव को वस्तुतः यज्ञ का सब कुछ कर्तम धर्ता यहाँ बताया गया है, और ऐसे अग्निदेव का हम आह्वान करते हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अग्निदेव की जिस तरह उपासना की गई है और उनको देव अर्थात दान आदि गुणों से युक्त, दान आदि गुण युक्तम यह, और सायण ने जो है जो वेद के भाष्यकार हैं, तो उन्होंने यज्ञ का जो अन्वय है, यज्ञस्य के देव का जो अन्वय है देव का, वह यज्ञस्य के साथ ही किया है। तो यज्ञस्य देवम हम इस तरह से भी देख सकते हैं। और ऋत्विज के विषय में जो विशेष बात है वह
वस्तुतः ऋत्विक चार हैं, होता, उद्गाता, अध्वयुर, अध्वर्यु, ब्रह्मा। तो यहाँ पर ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वह होता ही माना गया है। तो यहाँ पर यज्ञ में अग्नि ही, देवताओं के यज्ञ में अग्नि ही होता नाम का ऋत्विक था। इतरे ब्राह्मण में भी कहा गया है कि अग्निर्वै देवा नाम होता। तो हम वास्तव में इसका जो संपूर्ण अर्थ इस तरह से ग्रहण करेंगे कि हम जो पुरोहित है, यज्ञ कराने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, यज्ञ का देवता है, ऋत्विज है, समयानुसार यज्ञ संपन्न करने वाला है और देवताओं का आह्वान करने वाला है, याचकों को रत्नों से विभूषित करने वाला है, रत्न धारण करने वाला है, ऐसे अग्निदेव की हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं। इले का यहाँ पर तात्पर्य है स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं, दोनों तीनों अर्थ हम ले सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रथम मंत्र का व्याख्यान यहाँ पर समाप्त होता है। द्वितीय मंत्र को हम देखेंगे तो दूसरा मंत्र अग्नि पूर्वे भी ऋषि वीरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति। अग्नि पूर्वे भी ऋषि वीरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति। इसको अलग अलग पद पाठ करके देखते हैं एक बार। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यः नूतन ही उत स देवान आह एह आ ईह, इसलिए एह बन गया है, आ ईह आवक्षति। तो यहां पर अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी उत नूतन ही ईड्यः, अग्नि जो देव हैं वह पूर्व के ऋषियों के द्वारा उत और नवीन जो ऋषि हैं उन सभी के द्वारा भी यह इड्य यानी पूजनीय हैं। स देवान आ इह वक्षति, वह जो अग्नि देव हैं वह सभी देवों को यहाँ पर ले आए, उनका आह्वान किया जा रहा है कि वही अग्नि देवों देव जो है सभी देवताओं को लाने वाले हैं, देवताओं में आगे आने वाले हैं, तब पीछे वालों को भी वही लाने वाले हैं। तो अग्नि ही अग्निदेव पूर्वे भी ऋषि भी ही प्राचीन ऋषि भी ही इड्य नूतन ही नवीन ही इड्य अर्थात पूजनीय है। स अग्नि ही देवान देवता यह अत्र वक्षति आनीयताम, ले आए वह उन सब देवताओं का यहाँ आह्वान करके हमारे यज्ञ में हमें फल प्रदान के हेतु हमें हमारे यहाँ पर उनको उपस्थित करने के लिए उनको ले आवे। तो यहाँ पर मंत्रों के दृष्टा को ऋषि कहते हैं, ऋषयो हो मंत्र दृष्टा रहा, ऋषियों ने मंत्रों को लिखा नहीं है, वस्तुतः उन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया है, मंत्रों को देखा है, मंत्रों के रचनाकार वह नहीं है, उनको ऐसा बोध मंत्रों के रचनाकार तो वस्तुतः ईश्वरी हैं पर उन मंत्रों को जो है साक्षात करने वाले जो है वह ऋषि हैं। तो इसलिए ऋषयो हो मंत्र दृष्टा रहा ये कहा गया है। और जो यहाँ पर अग्निदेव की उपासना की सार्वभौमिकता कही गई है कि अग्निदेव को पूजा पूजनीय है सभी के द्वारा, पुराने ऋषियों के द्वारा भी, आधुनिक ऋषियों के द्वारा भी, उनकी सर्वस्वीकार्यता यहाँ पर प्रतिपादित की गई है। तो इस तरह से ये दो मंत्रों का यहाँ पर व्याख्यान हुआ। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस तरह से जो है सूक्तों के रूप में वेद का अध्ययन कर रहे हैं। तो छात्रों आपको कतिपय मंत्रों का स्मरण भी रखना है और इनकी व्याख्या का तो स्मरण रखना ही है। जब कभी हम अग्निदेव की उपासना करें तो इन मंत्रों का हम उपयोग कर सकते हैं। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्नि पूर्वे भी ऋषि विरिड्यो नूतनैरुतः स देवा एह वक्षति। तो ये जो वेदाध्ययन का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दें
और अपने पाठ्यक्रम का भी को भी पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम्, जय तु संस्कृतम्।